चार सेक्शन, नए पेज से स्टार्ट करिए। कन्फेशन टू पुलिस, कन्फेशन टू पुलिस, वे राइट निकालिए। 25 पर आइए, कन्फेशन टू पुलिस, सब लोग वे राइट निकालिए। पुलिस से संस्वीकृति, पुलिस से संस्वीकृति, चलिए एक एक लाइन बेरेट सब निकालिए। 25 पढ़िए, लिख लो पे पूरा, जिससे जितना बेरेट में लिखा है, बेरेट में लिखा है उसको लिख लो। गूगल लिख लिए, हिंदी वाले लिए ना पूरा। पुलिस को क्या कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी शैल बी प्रूव अगेंस्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस। पुलिस को की गई कोई भी संस्मृति पुलिस अधिकारी को किए गए अभियुक्त के विरुद्ध साबित ना किया जाना, अभियुक्त के विरुद्ध साबित ना किया जाना, पूरा ऐसे लिख लो। हिंदी में भी लिखा जा सकता है, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ, किसी पुलिस अफसर से की गई संस्तुति किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित ना की जाएगी ना। अब इस सेक्शन का पर्पज क्या है, क्यों रखा गया है कि पुलिस अधिकारी को आज तक हमें समझ में नहीं आया भाई, पुलिस से हम कुछ कह, पुलिस से कुछ कुछ बताया नहीं जाएगा तो साबित कैसे किया जाएगा। ये सेक्शन का कुछ भी पुलिस से कहोगे किसी भी अपराध एनी ऑफेंस से, आईपीसी में जो भी अपराध उसके अलावा कोई भी अपराध हो जिसके सभी अपराधों पर लागू है, पुलिस से कही गई कोई भी बात कन्फेशन, कन्फेस किया जा रहा है अभियुक्त, कन्फेस कौन करेगा, अभियुक्त ही करता है कन्फेस ना, अभियुक्त द्वारा किया। अभियुक्त कुछ भी कहता है किसी अपराध के विषय में, कोई अपराध हो उसके चार्ज है उसके ऊपर, पुलिस साबित नहीं भाई तो कैसे प्रूव किया जाएगा। ब्रिटिशर रख कर चले गए हैं कि पुलिस से कहोगे, क्यों रखा गया, सबको पता है कि पुलिस करती क्या है, पुलिस का हम इज्जत करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस है तो हम लोग सोते हैं ना बढ़िया से, लेकिन पुलिस आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 25 का पर्पज क्या है, तो आप एक ही लाइन बताओगे, लॉर्ड से प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड, अभियुक्त को प्रोटेक्शन देना संरक्षण देना है, तो हेडिंग वाले पर्पज ऑफ सेक्शन 25, पर्पज ऑफ सेक्शन 25, धारा 25 का उद्देश्य, 25 का उद्देश्य, 25 का उद्देश्य लिखिए। इन केस ऑफ राजकुमार करवाल, राजकुमार पर्पज ऑफ सेक्शन 25, राजकुमार परवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजकुमार परवल वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पर्पज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट, पर्पज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट इज ब्रॉडली स्पीकिंग टू फोल्ड, नेमली राजकुमार परवाल उससे भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 25 के अंतर्गत सेक्शन 25 का उद्देश्य नहीं,
सेक्शन धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए निर्बंधन का उद्देश्य पच्चीस में लगाए गए निर्बंधन का उद्देश्य पहला अभियुक्त को थर्ड डिग्री से संरक्षित करना पहला है टू प्रोटेक्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम फ्रॉम थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट। थर्ड डिग्री को थर्ड डिग्री ही लिखोगे ना, थर्ड जो ऐसे लिखा थर्ड डिग्री से संरक्षित करना। अब थर्ड डिग्री क्या है ये नहीं क्या डिफाइन है, ये पुलिस वाले ही जानते हैं कि थर्ड डिग्री कहा क्या है ना, पुलिस वाले ही लगाते हैं थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री लगाओ भाई सब बता देगा, तो थर्ड डिग्री से अब ये बता देगा सब पुलिस, अब जस आए तुरंत पूछ लेंगे अब ये बताओ थर्ड डिग्री क्या है, तुम तो बोलो कि थर्ड डिग्री से थर्ड डिग्री तो सर परिभाषित नहीं, तो पुलिस वाले ही जानते हैं कि थर्ड डिग्री क्या है, तो मारते वारते हैं ये सब थर्ड डिग्री है थर्ड डिग्री लगा, या आप इधर अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाना तो चीज जाना कि हम फंस जाएंगे, जो चीज में बता देना पुलिस से संरक्षित करना। अभियुक्त को पुलिस से क्या करना है थर्ड डिग्री मतलब उसके जो पुलिस टॉर्चर करती है, या आप कह सकते हैं पुलिस के द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है उसे उससे इसको संरक्षित। सेकंड टू इंश्योर अ प्रॉपर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, उचित और वैज्ञानिक अन्वेषण to ensure a proper and scientific investigation of the crime with a view of bringing the real culprit to book. तो देखिए बार आप लोग इन्होंने उचित और वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए, तो धारा 25 का उद्देश्य क्या है, दो तरह उद्देश्य है इसका, एक है कि अभियुक्त को पुलिस से संरक्षित करना, उचित और वैज्ञानिक अन्वेषण करने के ना, उचित और वैज्ञानिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बाकी धमका वमका के तो मारते तो कहेंगे कि भैया ठीक है। अब देखिए यहां सुधा नो का मतलब जानती ही हो, नो का मतलब क्या होता है नहीं ना, कन्फेशन का मतलब पढ़ ही चुकी हो कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है ना, ये भी सर सुधा पूछेंगे मंडे को कन्फेशन क्या होता है, मेड टू किया गया ये जानती, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी को नहीं पढ़ी हो, पर्सन इन अथॉरिटी पढ़ी हो, 24 में क्या है पर्सन इन, अब ये पुलिस अधिकारी कौन है तो हेडिंग डाले मीनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी का अर्थ ऐसे पढ़ा जाता है, या हु इज पुलिस ऑफिसर, 24 कहां गए तो खत्म कर दिए तुम, 24 बता रहे हो 24 में पुलिस ऑफिसर है, हां 25 हां 25 में पुलिस ऑफिसर है बताओ, जिस बताओ कुछ बताओ पुलिस ऑफिसर आके मजाक में पढ़ डालते हैं, अभी ये थोड़ी अभी कह रहे अब तो पढ़ने का आप तो नहीं पढ़ते, सब पूर्व ज्ञान है सब, जब एलएलबी में पढ़ रहे तभी का सब ज्ञान है, आज का थोड़ी ज्ञान है, ये कोई चीज जाने सामने आए और उसके विषय में आपको तुरंत पता ना हो तुरंत उसको रिसर्च करिए, कोई चीज आपके सामने आ गई तो आप उसके विषय में तुरंत कौन प्रथम विधि अधिकारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आर्टिकल 76 में दिया गया है, जाकर पढ़ना आज, चलो चलिए होगा क्या काम है कैसे 76 पढ़ोगे पूरा आपको पता चल जाएगा, और इसके साथ 88 भी पढ़ोगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारा वगाम है कि धारा 25
ये तहत पुलिस अधिकारी कौन है? हु इज पुलिस ऑफिसर, मीनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर जानना बहुत जरूरी है। आज के बाद आप लोग पुलिस ऑफिसर की डिफिनेशन भूलोगे नहीं। है कौन पुलिस? पुलिस है कौन? ये नहीं जो वर्दी पहने यूपीपी लगा हो वो पुलिस है। केस लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ इस आधार पर बड़कू BAD बड़कू, इसको नाम भी याद रहेगा, बड़कू छोटकू या नहीं, ज्योति बड़कू ज्योति JOTI ज्योति सावंत, राखी सावंत नहीं ज्योति सावंत है, बड़कू ज्योति सावंत वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर बड़कू ज्योति सावंत है मैसूर राज एंड राजकुमार करवाल, आपने लिखा ही है करवाल, राजकुमार करवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दो केसेस हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टू बी पुलिस ऑफिसर टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। आप सभी लोग लिख लो, इंग्लिश में ही लिख लो। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट CONCL कंक्लूडेड दैट टू बी अ पुलिस ऑफिसर टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, नेमली पहला पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर टू इन्वेस्टिगेट, दूसरा पावर टू सबमिट पुलिस रिपोर्ट, पावर टू सबमिट पुलिस रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, पावर टू प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट PRO ऐसे हो गए ना, खुदा समझ में आया कि पुलिस अधिकारी कौन है? जिसको इन्वेस्टिगेशन का पावर हो, अन्वेषण की शक्ति दी गई हो। दूसरा, जिसको पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने का शक्ति हो, अधिकार नहीं पावर है, पावर टू सबमिट पुलिस रिपोर्ट, तो वो पुलिस अधिकारी होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या CBI पुलिस ऑफिसर है? नंदनी बताओ क्यों? इन्वेस्टिगेशन और दोनों होना चाहिए, दोनों आर नहीं है, दोनों होना चाहिए। वेरी गुड। आपने सुना CBI ने चार्जशीट फाइल की, आप ED बताओ, चौकीदार बताओ, ये चौकीदार है कि नहीं? चौकीदार नहीं है, चौकीदार इन्वेस्टिगेटिंग नहीं करता है। ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग पावर टू प्रोसिक्यूट, ये हो गया। चलिए लिखिए हिंदी में एक लाइन, फिर बहुत सारे केसेस हैं, 25 पर ही हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में लिखिए, दो लाइन हिंदी में लिख लीजिए। पुलिस अफसर का प्रचलित अर्थ है, और बाकी जो पुलिस अधिकारी का मतलब, ये जो दोनों पॉइंट लिखाए हैं ना, राजकुमार परवाल बड़कू का केस, यही है बस, इतना पर्याप्त है। लेकिन कुछ और है जो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसेस में कहा है। प्रचलित अर्थ है पुलिस विभाग का कोई भी सदस्य जिसमें चौकीदार और पुलिस भी शामिल हैं और पुलिस भी शामिल है, शामिल है। आगे चलिए, आबकारी नहीं, एक सेकंड केस का नाम लिखिए, आबकारी अमीन शरीफ वर्सेज इंपरर, अमीन शरीफ वर्सेज इंपरर, राजा राम वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। आबकारी अफसर भी, हाँ
आबकारी अफसर भी जो एक्साइज के खिलाफ अपराध की छानबीन करता है, आबकारी अफसर भी जो एक्साइज के खिलाफ अपराध की छानबीन करता है, एक्साइज इंस्पेक्टर करता है, पुलिस अफसर होता है। ये वर्दी पहनने से पुलिस ऑफिसर नहीं हुई, किस रंग की वर्दी पहनता कि ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस एक खाकी पहनेगा वही पुलिस ऑफिसर है ना, इसे कोई इस बड़ी चीज नहीं है। पुलिस ऑफिसर जो पुलिस विभाग का कोई भी सदस्य है वो पुलिस अफसर के अंतर्गत आएगा। पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चौकीदार, कस्टम ऑफिसर, अब ये बताए कस्टम अफसर पुलिस अफसर है कि नहीं? कस्टम ऑफिसर पूरा लिस्ट हम कस्टम ऑफिसर, ये कौन कौन से पुलिस ऑफिसर हैं कि नहीं है, ये पूरा टाडा पोटा के तहत जो भी किया गया है वो पुलिस ऑफिसर है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें। तब तक एक एग्जांपल लिखिए, एक उदाहरण लिखिए जो 2015 में आया, क्वेश्चन है, आंसर तुरंत बता देना है आप लोगों को। सब लिखिए, ये इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, ये इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, ये रोट अ लेटर, ये अक्यूज इन मर्डर ऑफ बी, ये रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड सी स्टेटिंग दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, द लेटर फेल इन टू द हैंड्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, FELL, into the hands of the police officer, are the contents of this letter, are the content of this letter relevant as evidence against A, as evidence against A, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया, ऐसे relevant है क्यों? ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन सुने, क्या है प्रश्न, क्या है, ये बी के हत्या का अभियुक्त है, ये एक लेटर लिखता है फ्रेंड सी को, ये ने बी का मर्डर किया है, एक लेटर लिखता है सी को, और एक कमिटेड की मैंने ये हत्या कारित की है, वो चिट्ठी पुलिस के हाथ लग जाती है, क्या ये जो लेटर का कंटेंट है ये सुसंगत है? क्यों है नंदनी, बताओ? पुलिस को की गई, क्या 25 क्या कहता है, पुलिस की को की गई, ये पुलिस को नहीं कर रहा है, ये पुलिस को नहीं कर रहा है, तो अपने मित्र को लिख रहे हैं, या पुलिस भी तो सामने नहीं खड़ी है ना, ये पुलिस के कस्टडी में है, तो ये सुसंगत मान, ये जो है ये क्या मान लिया जाएगा, सुसंगत मान लिया जाएगा। लिखिए आंसर, यस देयर वाज कन्फेशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कन्फेशन, ही वाज नॉट इन पुलिस कस्टडी, सेक्शन 26 ब्रैकेट में, कन्फेशन वाज नाइदर मेड टू अ पुलिस इन अथॉरिटी, कन्फेशन वाज नाइदर मेड टू पर्सन इन अथॉरिटी, ब्रैकेट में सेक्शन 24, नार पुलिस ऑफिसर, ब्रैकेट में सेक्शन 25, पुलिस स्टाफ, सो दिस कन्फेशन कैन बी यूज अगेंस्ट अक्यूज्ड, सो दिस कन्फेशन में कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड। लिखिए कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, फिर एक कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस को की गई संस्वीकृति, संस्वीकृति, देखिए सीताराम उर्फ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सीताराम उर्फ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, देखिए देयर वाज कन्फेशन बट नॉट मेड टू पुलिस ऑफिसर, संस्वीकृति है लेकिन पुलिस को नहीं की गई, पुलिस को नहीं की गई, सीताराम का केस जो मैंने क्वेश्चन लिखाया है
वो सीताराम का ही केस पर बेस्ड है। चले फैक्ट लिखे, पूरा हम लिखाएंगे ना, सभी लोग लिखे तो ट्रांसलेट हो जाएगा तुरंत हिंदी में, क्योंकि तो दोनों में लिखाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो क्या है पूरा फैक्ट, वो इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। कोई इसका फैक्ट इसे लिखा रहे हैं कि समझिए पूरा क्या है, आपने उसका आंसर लिखा है तो सीताराम का केस इससे रिलेटेड है ना, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है ना। तो इसमें कन्फेशन तो मांग, देर वाज कन्फेशन, कन्फेशन तो माना गया लेकिन ये पुलिस ऑफिसर को नहीं की गई थी कन्फेशन। ऐसे पूछे सीताराम का केस भी क्या हुआ था, तो आपको बताना लॉर्डशिप कन्फेशन तो है बट ये पुलिस ऑफिसर को नहीं किया। क्या था सीताराम का केस, तो कहते सर वो लेटर छोड़कर चला जाता है डेड बॉडी के पास कि पुलिस को जो करना हो आकर कर ले, वो तो हम उस तरह लिखा, ये लिखते हैं कि पुलिस क्या इनका लेटर है कि आई हैव माइसेल्फ कमिटेड मर्डर माई वाइफ सिद्धानी, नोबडी इल्स परपेट्रेटेड दिस क्राइम, आई अपीयर आफ्टर हम लिख कर जाते हैं कि मैंने किया है, कोई रहे 20-25 दिन बाद हम लौट कर आते हैं तो पूरा तो ये बाद में कहते तो पुलिस साहब हम पुलिस को किए थे, ये लेटर पुलिस को ही लिखते हैं कि माननीय थाना अध्यक्ष महोदय हाँ मैंने अपनी पत्नी का हत्याकारित की है, आपको जो करना हो कर लीजिए, 20-25 दिन बाद हम लौट कर आएंगे, और वही डेड बॉडी के पास लेटर छोड़ जाते। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपने लेटर लिखा था तब पुलिस ऑफिसर नहीं था वहां पर जाने, ये कह रहे पुलिस को की गई, हम तो पुलिस को ही तो किए थे कन्फेस, नहीं लेकिन पुलिस की उपस्थिति में होना चाहिए। हाँ घर से लिखकर नहीं कि पुलिस को कर दिए बस हो गया, इसीलिए लिखे सीताराम एंड हिज वाइफ सिंदूरा रानी। अगर हम इसको भेज दे तो आप लिख लोगे, इसको लिख लेना फिर उसका इसको छोड़ देना, उसका लिख लेना कल फिर हम समझा देंगे। वैसे ही है जो हम क्वेश्चन लिखा है जो पीसीएच 2015 में पूछा गया है वो सीताराम का फैक्ट ही है, तो हम उसको दूसरी तरह की अपने फ्रेंड को लिखता है, ये पुलिस को ही लिखते थे, पुलिस को ही लिखे थे, फिर उर्दू उर्दू में साइन किए थे पूरा। जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 25 के तहत नहीं आता है ना, और इसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स के बारे में दिया गया कि पुलिस ऑफिसर्स और कौन कौन आएंगे ना, जैसे 25 के लिए एक एग्जाम्पल सुनिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तो आप उसको बताना कि इसके तहत आता है। मिस्टर ए, ध्यान से सुनना सब लोग, लिखना नहीं है, 25 का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है पूछ ले इलस्ट्रेशंस में ना। मिस्टर ए की अप्रैल 1954 में हत्याकारित कर दी गई, मिस्टर ए की हत्याकारित, चाहे तो ब्रेक रफ में लिखते चलो, एक ध्यान से हम समझा रहे हैं क्योंकि अभी हम आंसर पूछेंगे ना, गए पेज में एक कि हत्या ऐसे हत्या ये मर्डरेड 1954 ऐसे करके लिखते हैं, और हम लिखवा नहीं रहे कि लिखो ना, क्या है कि मिस्टर ए की अप्रैल 1954 में हत्या कर दी पुलिस के ध्यान आप सुनिएगा, पुलिस के दरोगा ने बी को का की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया, दरोगा ने एसआई ने किसको गिरफ्तार किया, बी को, इसलिए का मिस्टर ए की हत्या करने के लिए, बी को ए की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया। बी दरोगा के सामने कहता है कि उसी ने ए की हत्या किया है, क्या एक कन्फेशन है, पहला क्वेश्चन क्या एक कन्फेशन है, तुम बताओ क्या कन्फेशन है ये, हाँ है कन्फेशन की यस नो यस कन्फेशन ये है। अरे इतना एग्जाम्पल समझाए हैं कन्फेशन का, जब वो जुल्म को स्वीकार कर रहा है वो कन्फेशन है, जब वो हाँ कर रहा है तो कन्फेशन तो हुआ, पहले हम ये डिसाइड कर रहे हैं
कन्फेशन है कि नहीं है, तो पहले ये तो आपको डिसाइड करना कन्फेशन है ना, तो कन्फेशन है। आगे चलिए, विचारण में ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसिक्यूशन माने अभियोजन बी द्वारा दरोगा से की गई सुस्वीकृति यानी कन्फेशन को साबित करना चाहता है, या कथन साबित किया जा सकता है। बताओ सुधा, लिखो ना, सुना करो, सब चीज लिखने के लिए नहीं होता है। फिर से सुनो, खाली होता है अपने दिमाग में ऐसे रखने चला करे कि क्या है। ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसिक्यूशन बी द्वारा दरोगा से की गई जो एसआई से की गई कन्फेशन को साबित करना चाहता, क्या ये कथन साबित किया जा सकता है? यस कि नो? क्यों? नो तब क्यों? हाँ बस, कि सर वो 25 में, हाँ आप कहोगे नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सेक्शन 25 के अंतर्गत संस्कृति को अपवर्जित करने की कसौटी है। किसी व्यक्ति समझ, हाँ, किसी व्यक्ति के समक्ष संस्कृति की गई है और उसमें वो पुलिस ऑफिसर को की गई है, किसी व्यक्ति को करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पुलिस ऑफिसर को करता है तो प्रूफ अपवर्जित कर देना चाहिए, बिल्कुल उसको अलग कर दिया जाए। क्लियर? हाँ, तो पहले आपको डिसाइड कन्फेशन है कि नहीं है, किसको की गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक और इलस्ट्रेशन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कन्फेशन है, कौन सा नहीं है, किस सेक्शन के तहत साबित किया जाएगा। यन ने, यन मिस्टर यन ने एक रिपोर्ट थाने में इस प्रकार किया, एक रिपोर्ट एन एफआईआर लिखा रहा है, मेरी चाची ने अपनी जायदाद अपनी लड़की को दे दिया है। हम लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आज सवेरे मैंने अपनी चाची के दामाद सोमरा को जानवर चराते हुए पाया। मैंने उसे एक नोकदार हथियार से मारा और वो मर गया। फिर मैं खेत में आया जहां मेरी चाची की लड़की धमनी नाम था घास छील रही थी। मैंने उसे भी मार डाला। इसके बाद मैं अपने चाची के घर आया, मैं उसके सिर पर मारा, वो मर गई। उसी के पास सोमरा का लड़का था, मैंने उसे भी मार डाला। मैंने अपनी चाची की लीला, मैं जो लीला होता है लोग, इसलिए समाप्त कर दिया जिससे कि वो उसकी जायदाद में हिस्सा ना ले सके। मेरी चाची मूर्खों की तरह लड़ती रही। समस्त मृतक शरीरों तथा नुकीले हथियार को जिससे मैंने उन्हें मारा है वो वहां पड़े हैं जहां की मैंने उन्हें गाड़ दिया है। मैं उन्हें दिखला सकता हूं। बताइए क्या ये कन्फेशन है? कन्फेशन है तो क्या ये बात जो कह रहा है ये रेलिवेंट है कि नहीं है, और अगर है तो किस धारा के तहत रेलिवेंट है? तीन चीजें बताना। पहला लाइन सुन ले, मिस्टर एन ने एक रिपोर्ट थाने में इस प्रकार किया। मिस्टर एन एफआईआर, अभियुक्त खुद ही एफआईआर करता है। अभियुक्त एन क्या है? मिस्टर एन अक्यूज्ड हैं और अक्यूज्ड खुद ही एफआईआर करता है, खुद मारकर गया, एफआईआर लिखा रहा है। बताइए, हाँ अभी हम लोग 27 नहीं पढ़े, ये कन्फेशनल एफआईआर हो गया। क्या हो गया? ये अग्नु नागासिया का केस है। अग्नु यन, इसीलिए यन मिस्टर यन बताए हैं, यन नागासिया, अग्नु नागासिया का केस है। अग्नु नागासिया कन्फेशनल एफआईआर माना गया, जो एफआईआर रिलेवेंट होता ही नहीं है, तो एक कन्फेशनल मान लिया, कन्फेशनल एफआईआर। इसने कहा जो मैंने पेड़ के नीचे उतना प्रूव किया जाएगा, बाकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में आएगा।
तो अब हम लोग एविडेंस एक्ट को एक पिछला वाला याद करते चलिए। पिछला में आपको एडमिशन कन्फेशन क्या है, किस सेक्शन में क्या क्या रेलिवेंट है, पूरी तरह याद होना चाहिए। पूछे हम तो फिर ये नहीं कि पिछला सेक्शन 11 में क्या है तो कहो कि सर अभी हम नहीं पढ़े, अनेत्र उपस्थिति है, सेक्शन 10 में ट्रांसपेरेंसी, सेक्शन आइडेंटिफिकेशन है, सेक्शन 8, सेक्शन 7, 5 पूरा याद होना चाहिए। कोड क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, पूरा मे प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम पूरा याद होना चाहिए। 19, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 23 में क्या है, आपसे हम पूरा वो नहीं पूछेंगे कि पूरा डिटेल लिखने को दो, डिटेल लिखाने को हम टेस्ट ले लेंगे डिटेल वाला ना, कि बस एक एक लाइन बताते चले जाना है। अब एविडेंस समझे आप, एविडेंस जैसे 30 तक पहुंचेगी 32 तक आप समझे एविडेंस खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं एविडेंस में, पढ़ना है बेयर एक्ट, थोड़ा बहुत लिखना है बस। एविडेंस 70% एविडेंस सेक्शन 32 तक ही पूछ लिया जाता है, 32 तक बाकी में सब, बाकी में सब रहता है। तो चलिए इतना करिए, फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं।